डेजर्ट स्ट्रोम गत डेढ़ माह से ग्राम पंचायत बरोड़ा गांव के ग्राम आशा यच के ग्रामीण पानी के अभाव में त्रस्त हैं। प्रशासनिक उदासीनता, ग्राम में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भी बुरा हाल है। विद्यालय में बना टाका भी गत एक माह से खाली है। ग्राम आशा यच में गत डेढ़ माह से पानी की सप्लाई बंद होने के कारण ग्रामवासियों के समक्ष जल संकट की घोर समस्या मुंह बाए खड़ी है। जलदाय विभाग के ट्यूबवेल संचालक खेत सिंह सिसोदिया ने बताया कि गत डेढ़ माह पूर्व बड़ोड़ा गांव जीएसएस में ट्यूबवेल को विद्युत सप्लाई करने वाली लाइन के तीन पोल गिरने से विद्युत सप्लाई बंद है। चूंकि बिजली घर बड़ोड़ा गांव चांदन जीएसएस के अधीन आता है, सिसोदिया ने कहा कि मेरे द्वारा चांदन जीएसएस जाकर सूचना भी दी गई, लेकिन आज दिनांक तक विभाग के कानों पर जू नहीं रेंगी है। गौरतलब है कि ग्रामीणों के साथ साथ गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भी बुरा हाल है। विद्यालय में बना टाका गत एक माह से खाली पड़ा है। न बच्चों व विद्यालय स्टाफ के पीने का पानी है और न ही मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि गांव के किसी टांके से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा सके। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आशायच के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ स्वयं गांव के साधन संपन्न व्यक्तियों के घर बने टांकों से पानी सींच कर बाल्टी से विद्यालय लेकर आते हैं, ताकि नन्हे मनों को मध्यान्ह भोजन के साथ साथ प्यासा न रहना पड़े। अगर जलदाय विभाग और विद्युत विभाग का यही रवैया रहा तो विद्यालय के बच्चों के साथ साथ गांव के लोगों की भी बुरी गत होना तय है। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें तथा ग्रामवासियों के पानी की व्यवस्था सुचारू करें। डेजर्ट स्ट्रोम के लिए पुष्पेंद्र बोहरा।